असलम एवरी वन मैं हूँ बररा फाम वेलकम टू माई चैनल्स होगा जो मेरा आज का वीडियो है वैंबैं बना रही हूँ अपनी शर्ट्स के कलेक्शन पर और माशाला हमारे पास आज बहुत हीज कोटिटी है uh, मैं इतनी क्वान्टिट्टी की इकट्ठी वीडियो नहीं बनाती लेकिन क्योंकि मुझे सेल लगानी थी तो मैंने कहा कि मैं लगा मतलब इकट्ठी ही वीडियो बना देती हूँ तो ये टोटल हमारे पास थर्टी फ़ाइव शर्ट्स हैं पैंतीस शर्टें हैं फ्लैट रेट है डिलीवरी कैश ऑन डिलीवरी नहीं होगी आपको एडवांस में पेमेंट करनी होगी लेकिन इसके बावजूद सेल के बावजूद भी डिलीवरी फ्री है हमारी प्राइसेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल होती हैं हम आप लोगों को जो क्वालिटी देते हैं जो स्टफ़ देते हैं काम की जो क्वालिटी देते हैं वो बिलीव मी आप लोगों को टेन थाउजेंड प्लस मिल रहा है ये एक शर्ट पीस आप मार्केट में जाके देख लें ऑनलाइन इंस्टाग्राम पेजेस पर पे देख लें आपको दस दस हज़ार आठ आठ हज़ार का मिल रहा है हम आपको वही चीज़ पहले ही फाइव थाउजेंड में देते थे अब मज़ीद उस पर सेल लगा दी है प्लस डिलीवरी भी फ्री है ऑल दो कैश ऑन डिलीवरी नहीं है आपको ये एडवांस में पे करना होगा लेकिन फिर भी हमारी मतलब आप लोगों को अब मैं ये दिखा रही हूँ एंड में सबसे ब्लैक आएंगी वाइट होंगी मैंने कलर के हिसाब से रखा है फिर ये मल्टी कलर में है ठीक है आज का कलर पैलेट ये है वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ये चॉकलेट ब्राउन कलर में इसका ये देखें ट्रिपल हार गला बना हुआ है इसके अंदर शीशे का काम है इसका चॉकलेट ब्राउन कलर है और मतलब बड़े अच्छे से जो कलर लगाए हैं वो इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एवरेज लेंथ जो होती है फ़ोटी सिक्स फोर्टी सेवन होती है शर्ट की और जो घेरा होता है वो थर्टी टू से थर्टी फोर के दरमियान होता है ठीक है तो किसी का भी बन जाता है और ये बैक पर भी काम किया होता है ये सारी वॉश की हुई हैं प्रेस नहीं की हुई ठीक है वॉश की हुई हैं लेकिन प्रेस नहीं की हुई ये इसके स्लीव्स हैं स्लीवस का कपड़ा अलग से होता है बाजूकत काट के लैदा कर दिया जाता है बाजूक एक निशान डाल दिया जाता है बाजूका साथ ही जुड़ा रहता है ठीक है तो एक शर्ट आज हम आपको देंगे फ़ोर्टी फ़ाइव हंड्रेड रुपीज़ की जस्ट फोर्टी फ़ाइव हंड्रेड रुपीज़ आपको पे करना होगा एक शर्ट के लिए बिलीव मी मुझे पता है कि ये सेल मैंने किस तरीके से मैनेज की है लेकिन मैं चाह रही थी कि आपको इन पे भी दे दूँ और ये फर्स्ट एंड लास्ट है मतलब इसके बाद अब कोई सेल नहीं आएगी तो उसके बाद एक ये रस्ट कलर में है ये देखिए इसके ऊपर भी बड़ा प्यारा काम हुआ हुआ है ठीक है ट्रिपल हार गला बना हुआ है आपको पता है ये फेमस कुर्ता कलेक्शन है और आप सबको पता है कि आ, आप लोगों को ये कितनी पसंद है ठीक है इसके बाजू अलहदा कर दिए थे इसकी बैक साइड है उसके बाद है जी ये शॉकिंग पिंक कलर में इसमें सारा सिंगल तार का काम हुआ हुआ है सिंगल थ्रेड का जिसको कहते हैं और इसके अलावा थोड़ा सा पक्के का काम भी है ये देखें इसका भी ट्रिपल फोर हार गला है आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो हाथ की कढ़ाई के ब्रांड्स हैं उनके ऊपर ये पड़े हुए हैं जेंट्स के भी कुर्तों पे बेसिकली ये हमारे जनूबी पंजाब में जेंट्स के कुर्तों पे और दुपट्टों पे होता था लेडीज़ की ये बहुत नफीस काम होता है लेकिन अब ये कुर्तों पे होने लग गया है तो बड़ा अच्छा लगता है तो बहर हाल एक ये है उसके बाद मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा थर्टी फाइव शर्ट्स हैं हमारे पास आज ये देखें ये इसका जो है वनीला येलो कलर है फिर रेड इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है और डार्क ग्रीन तो उससे वो बड़े अच्छे से जा रहा है और ये इसका गला है ये देखिए आप काम की नीटनेस देख लें शीशे की लगाई देख लें मतलब बहुत नीट और ख़ूबसूरत काम है ये इसके स्लीव्स हैं और ये देखिए यूँ कपड़ा फ़ोल्ड करके ये इसकी बैक है बैक पे भी काम किया हुआ है उसके बाद ये एक पेस्टल ऑरेंज में है एक ऑरेंज होता है ना बहुत तेज़ खट्टा रंग वो वाला नहीं है और इसके ऊपर डार्क और मतलब ऑरेंज का ही शेड और लाइट पीच कलर लगा हुआ है और ये देखें इसका गला है ये देखिए है और ये इसके कलियाँ हैं और ये इसके दामन पे काम हुआ हुआ है और इसके अलावा ये कि जो इसके बाज़ू हैं ना ये हमने अलगा नहीं किया यानी ये, ये कोई फटा हुआ नहीं है ये हमने ख़ुद मतलब जब आप टेलर के पास लेके जाएंगी तो टेलर नहीं आपको कहेगा कि फटा हुआ है बाजू का बाज़ कस्टमर्स के पास जाता है वो इतराज़ करते हैं ये फटा हुआ है, है, है।, है। भाई हम पागल नहीं है इतनी बड़ी चीज़ आपको खुद काट के दें ये बाजू होते हैं जो इस तरीके से अलग कर दिए जाते हैं कि यहाँ से ये बाजू है बैक दामन ना बना ले टेलर उसके बाद ये हमारे पास हमारी इसको सराइकी में यहाँ पर पटरी टांका कहते हैं गुल्ला सीटा भी कहते हैं बलोची कढ़ाई भी कह सकते हैं आप तो ये देखें ये है और ये मिझंडा कलर है थोड़ा सा फेडेड सा आ रहा है और ये देखिए इसके ऊपर कढ़ाई सारी कढ़ाई की आउटलाइन भी बनाई है शीशा भी देख लें कितना अच्छा लगा हुआ है और ये देखें ये इस तरह कपड़ा फोल्ड किया हुआ है मतलब कपड़ा काफ़ी काफ़ी है ये इसके बाजू पे काम हुआ हुआ, हुआ है ठीक है ये भी फोर्टी फाइव हंड्रेड का है जितना भी काम है मतलब जितने भी हैवी हैवी हैं हालांकि और ये फ़ोर्टी फाइव हंड्रेड ईच ही मिलेगा आपको और ये देखिए ये मूव कलर में है और इसके ऊपर येलो कलर और इसके अलावा प्लम कलर लगा हुआ है पर्पल प्लम और शीशा है ये देखें बड़ा प्यारा सा यूनिक सा डिज़ाइन है इसका दामन है ये ऊपर हुआ हुआ है ठीक है ये देखिए और ये इसके बाजू हैं और ये इसकी बैक साइड है ठीक है बैक साइड पे ऐसे ये देखें ये ऐसे हुआ हुआ है उसके बाद सेम कलर है लेकिन डिज़ाइन चेंज है ये देखें इसका गला ऐसे बना हुआ है ये देखें इसका ट्रिपल हार गला बना हुआ है और सारे के अंदर शीशा भी लगा हुआ है कली है इसके अलावा ये इसके बाजू हैं सारे के अंदर बूटी भी डली हुई है और ये इसकी बैक साइड है उसके बाद ये देखें ये हमारे बलोची टांके में है सुंबल टांके में सुंबल टांका इसको कहते हैं और शीशे का काम हुआ हुआ है ये दामन के ऊपर है थोड़ा यूनिक है बाज़ुओं के ऊपर भी ऐसे ही है मैं खोल के दिखा देती हूँ ये आस, मतलब ये कलाई पे इस तरह लाइन आएगी और दो लाइनें शीशों की आएंगी तीन बल्कि कंधे में आ, कोहनी पे और कलाई पे आगे इस तरह और ये इसका कला है इस पर बहुत शीशे का काम हुआ हुआ है शायद आपको ना लग रहा हो आ, ये जब आप पहनेंगे तो आपको पता लगेगा बहुत बहुत शीशे का काम हुआ हुआ है ये भी फोर्टी फाइव हंड्रेड का ही है इसकी बैक पे भी सारे शीशे का काम है उसके बाद एक ये एक एक्वा कलर में है ये देखिए जो पहले आएगा उसको मिल जाएगा मैं ऑर्डर होल्ड नहीं करूँगी ये बिल्कुल न्यू स्टफ़ है और बहुत अच्छा स्टफ है सारा वॉश हुआ हुआ है आपको इसको श्रिंक करने की ज़रूरत नहीं आप इसे डायरेक्ट टेलर को दे दीजिए यह देखिए ये बाजू है उसके बाद है ये बिल्कुल और कलर है ये बिल्कुल और है ये फ्रोज़ी है और इसके ऊपर रेड कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई, हुई हुई है ये देखिए बड़ा यूनिक सा है यह देखिए इसकी बैक है और ये हैं इसके स्लीव्स उसके बाद एक येलो कलर में है इसके ऊपर मरून कलर की और पैरेट कलर की कढ़ाई हुई, हुई हुई है ठीक है बाजू हैं, और ये बैग पे सारी पे इसके बूटियां बनी हुई हैं उसके बाद एक ये है फ्रोजी कलर में ये देखिए ये और कलर है ये और कलर है और ये और कलर है ये बेबी ब्लू भी आप इसे कह सकते हैं और ये देखें इसके अंदर काम कितना नीट है आप खुद देखें इसका गला बना हुआ है सारे में कढ़ाई है भरा ही देखें माशाल्लाह से ये बाजू है ठीक है उसके बाद ये एक पीच कलर में है ये हमारा बहुत हिट आर्टिकल है ऐसा बार बार आता रहता है क्योंकि आप लोग ये बहुत पसंद करते हैं डा पीच के ऊपर डार्क एंड लाइट सी ग्रीन हाँ ये होता है कि छापा हम चेंज करवा देते हैं ये देखें बाजू और ये बैक उसके बाद ये एक पीच ऐसे था टी पिंक टाइप पीच पिंक कह लें उसके बाद ये एक प्योर पीच है ये देखें इसके ऊपर कितनी हसीन कढ़ाई हुई हुई, हुई है आप लोग खुद देखें ये गला बना हुआ है बहुत ही प्यारा और यूनिक है चंद एक उन आर्टिकल्स में से है जो डेली बेसिस पे मेरे हाथ से निकलते हैं लेकिन फिर भी वो अपनी खूबसूरती की वजह से अट्रैक्ट करते हैं उसके बाद एक ये धानी कलर में है इसके ऊपर डार्क एंड लाइट पीच कलर का, का काम हुआ हुआ, हुआ है धानी कलर है बिल्कुल अच्छे वाला है ऐसे थोड़ा सा फेड आ रहा है कैमरा में बैक पे बूटियाँ हैं इसकी भी और इसके अलावा इसके बाजू पे भी काम हुआ हुआ है उसके बाद एक ये मूंगिया रंग में है आर्मी ग्रीन भी कह सकते हैं ऑलिव ग्रीन भी कह सकते हैं आप लोग जो चाहे कहीं ये देखिए इसके ऊपर पेस्टल कलर की कढ़ाई हुई हुई है ट्रिपल हार गला है और दामन पे काम हुआ, हुआ हुआ है ठीक है उसके बाद एक ये है पीच कलर में ये देखिए इसके ऊपर डार्क एंड लाइट पर्पल का काम हुआ हुआ, हुआ है दामन है और ये देखिए बाजू है बैक है उसके बाद है जी हमारे पास ये अब वाइट की अब ये सारे ऑफ वाइट और वाइट फैमिली आ गई है ये देखिए इसके बाजू पे कितना कितना काम हुआ हुआ है ठीक है ये इसका दामन है और ये इसका गला है और कितना ही शीशे का काम हुआ हुआ है इसके अंदर और ये इसकी बैक है बैक पे भी इसके शीशा ही लगा हुआ है उसके बाद एक और है इसका डिज़ाइन चेंज है उसके अंदर पक्के का काम था इसके अंदर कच्चे पक्के का काम है प्लस शीशा है ये देखें ओके बैक पे सारे पे काम है और इसके अलावा बाजू पे काम हुआ हुआ है उसके बाद है जी ये वाइट है प्योर वाइट है। और इसके ऊपर ये पेस्टल ये हमारी जब सबसे पहले ट्वेंटी ट्वेंटी वन में हम लोग लेके आए थे ना तो तब ये कलेक्शन में ये वाली स्कीम आई थी आप लोगों को बहुत पसंद था तो अब हम उसके बाद अब लेके आए हैं अपने ये बेस्ट डिज़ाइन में से बेस्ट कलर कॉम्बिनेशन में से ये बाजू पे काम हुआ, हुआ हुआ है और ये बैक पे है उसके बाद एक ये है ऑफ वाइट पे अच्छा हमारे पास ना कोई भी वो जो एक नीलाहट माइल सा वाइट होता है ना नील जैसा वाइट वो नहीं है हमारे पास हमारे पास वाइट होता है ऐसे वाला या फिर ये ऑफ वाइट होता है ये जो अभी आपको दिखाया है उससे सिमिलर एक मतलब अगर दो सिस्टर्स ने ट्विनिंग करनी हो तो ये दो तो हैं ठीक है जी बाजू और पैक उसके बाद है एक हमारे पास ये वाला अच्छा इसका कपड़ा थोड़ा चेंज है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ ये देखिए ऐसा कपड़ा है और इसकी लेंथ भी थोड़ी सी कम है लेकिन ये इसके ऊपर काम हुआ हुआ है किसी को अगर स्मॉल साइज आता है तो उनके लिए बेहतरीन है उसके बाद एक ये वाला है इस दफ़ा आप गिला कर रहे थे कि मैंने बेसिक जो कलर्स हैं उनमें नहीं दिखाया तो हमने आपका वो गिला दूर कर दिया आपको बेसिक कलर्स में सेल के साथ दे दिया है उसके बाद एक ये है देखिए जी बासु हैं बैक है ठीक है अब आ जाते हैं ब्लैक पे अभी सबसे पहले ब्लैक एंड वाइट है ये शीशे का काम हुआ हुआ है ब्लैक ना कैमरा में फेड आता है मैं हर वीडियो में कहती हूँ आप लोगों तो को, को पता है कि ब्लैक ऐसे ही आता है ठीक है इसका ट्रिपल बल्कि फोर हार गला बना हुआ है ठीक कलिया है कलियाँ हैं बूटी है बाजू पे काम है बैक पे काम है उसके बाद एक और ब्लैक है इसके ऊपर इस तरह ये पिंक का ही शेड या कुछ लगा हुआ है ये देखिए बड़ा हसीन काम हुआ हुआ है माशाल्लाह और इसके बाद जो लैदा नहीं किए देखे। ये देखें ये कपड़ा फोल्ड किया हुआ है बैग पे काम है उसके बाद जी ब्लैक पे ब्लैक है ये दिख नहीं रहा सामने से बड़ा प्यारा लग रहा है कैमरा में ब्लैक पे ब्लैक इतना नहीं वाजे होता सारा काम ब्लैक पे ब्लैक करवाया हुआ है अब कैसे दिखाऊँ आप लोगों को नहीं दिख रहा ये बहर हाल ब्लैक पे ब्लैक इसका दामन भी बना हुआ है ये बहुत प्यारा आर्टिकल है लेकिन दिख नहीं रहा इसकी बैक पे भी बूटी बनी हुई है जो पहनेगा मतलब जाहिर तो दिखता है लेकिन कैमरा में नहीं दिख रहा ये देखें बाजू पे काम हुआ हुआ है उसके बाद एक ब्लैक पे ये है मल्टी कलर का काम हुआ हुआ ये देखें प्योर की तरह ये साइड से दरमियान में बॉर्डर्स हैं ठीक है ये बाजू है और ये इसकी बैक है उसके बाद एक ये है उधर से सीधा करें ये देखें ये इसका गला है बाजू सारे में बूटी और ये इसकी बैग और सेकंड लास्ट है आज के वीडियो के लिए हमारे पास ये ब्लैक इसके ऊपर क्रीम कलर में काम हुआ हुआ है काम देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा काम हुआ हुआ है नाना करते भी वीडियो तेरह मिनट की हो गई अभी तक ये देखें ये बैग पे काम हुआ हुआ है अच्छा सेकंड लास्ट नहीं है सॉरी एक ये है इसकी लेंथ भी छोटी है ये किसी स्मॉल साइज़ वाली हमारी सिस्टर को आ जाएगा ठीक है और ये इसकी बैक पे काम है उसके बाद लास्ट है बनारसी टांके में ये हमारे पास बनारसी टांका भी है और प्लस पटड़ी टांका क्या कहते हैं वो भी है शीशा भी है ये देखें और ये गला बना हुआ है इसका बनारसी टांके से कलियां हैं और चाक और दामन है ये देखें ठीक है ये बाजू है और इसकी बैक कली भी है ठीक है आज का वीडियो बस इतना ही था मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग